आज का ये प्रोग्राम खुसूसी तौर पर मुआशरे के एक ऐसे तबके की आवाज पर मबनी है जिसे इस मुआशरे ने ही, हमारी सोसाइटी ने ही नजरअंदाज कर दिया। गुज़रे 30 सालों से कराची वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर काम कर रहा है और इंटेलेक्चुअली चैलेंज बच्चों को वोकेशनली ट्रेन करता है। देखें, ये वो बच्चे हैं जिनको सोसाइटी समझती है कि गुड फॉर नथिंग है, कुछ कर नहीं सकते। फुटबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, हॉकी, क्रिकेट, और अभी मैं जापान में जाके पूरे मुल्क को रिप्रेजेंट पाकिस्तान को करूँगा और पाकिस्तान का नाम रोशन करूँगा। स्क्रीन प्रिंटिंग हम इन बच्चों को देख रहे हैं कि कर भी रहे और इंस्ट्रक्टर्स इनको सिखा भी रहे हैं। मलाला पाकिस्तान आई हुई थी, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो अजरक पेश की है वो हमारे KVTC में एक डिफरेंट लेवल बच्चे की हाथ की अजरक बनी हुई पेश की। नाम है मेरा मुस्तफा जुमानी का, MJ फॉर पाकिस्तानी मॉडल किंग स्टूडेंट पॉप स्टार रॉकस्टार सुपरस्टार एक्टर हीरो सिंगर बॉलीवुड हॉलीवुड मेमिक्री लॉलीवुड फॉर पाकिस्तानी मॉडल किंग्स फ्रॉम KVTC। दिल से मैंने देखा पाकिस्तान, जा से मैंने दर्दी बेमार। औलाद अपने माँ बाप की इज्जत करे, एहतराम करे और उनको अपने घरों में रखे। वाकई बहुत मुश्किल है बुजुर्गों को संभालना, क्योंकि ज़ाहिर है ओल्ड एज में इंसान ज़िद्दी भी हो जाता है और उसके तमाम जिस्म के अज़ा जो हैं वो भी कमज़ोर पड़ जाते हैं, दिमाग भी कमज़ोर हो जाता है। आज मैं सबसे ज़्यादा यहाँ पे खुश हूँ क्योंकि मुझे जो असल माँ वो यहाँ मिली है। आपके अपने बच्चों के बारे में कुछ बताएं। एक बेटा है, बाहर दुबई में है। 2 साल से कोई रابطہ नहीं हुआ? नहीं, रابطہ तो है, आया नहीं। अल्लाह फरमा रहा है कि वबिल वालिदैनी एहसान, यानी अपने वालदैन पर उस तरीके से एहसान करो जिस तरीके से बचपन में उन्होंने तुम पर एहसान किया, तो उसका तो हक कोई भी औलाद अदा नहीं कर सकती। लेकिन यहाँ हमारा मुआशरा जिस डगर पर चल पड़ा है, उस डगर की वजह से ये पूरी सोसाइटी एक इस्तराबी कैफियत का शिकार हो सकती है। देखिए आवाज़ हर हफ्ते की शाम 7 बजे सिर्फ आज न्यूज़ पर।